दोस्तों अगर आप एक वायरलेस माउस ढूंढ रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी का, तो ये जो माउस है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये मैंने अमेजोन से अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाया है। काफी रिसर्च करने के बाद मैंने इस माउस को फाइनल किया अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि इसको जब हम अपने ऑफिस में रखते हैं बड़ा अच्छा फील आता है। और जब आप इस माउस को अपने ऑफिस में यूज करेंगे तो इतना पतला माउस है ये, इतना अच्छा माउस है कि लोग आपसे जरूर पूछने वाले हैं कि माउस कहाँ से मंगवाया है, बहुत शानदार लग रहा है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे इसको हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा माउस, इसका जो मॉडल नंबर है वो है HP का Z3700। ओके, चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये इसकी USB वायरलेस USB है जो कि लैपटॉप में लगानी होती है और ये हमारा तब कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से और साइड से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कागजात दिए हैं HP वालों ने ज़मीन और मकान के। चलो अच्छा, इसके अंदर एक बैटरी है। ओके, तो ओवरऑल मुझे इसका पूरा गत्ता ही फाड़ना पड़ा, काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रखी है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी USB देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर बैटरी दी गई है, यानी कि सेल। और फाइनली जो हमारा माउस है वो ये आपके सामने आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी पतला माउस है और मैं अभी आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा मेरे पास जो दूसरा माउस है तो उससे ये कितना मोटा है, कितना पतला है। ठीक है ना, बैक साइड इसकी देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और यहाँ पर ये सेंसर है, यहाँ पर ये कनेक्ट का बटन दिया गया है। अब हम जो है इसके अंदर ये सेल डाल लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये कंपार्टमेंट दिया गया है इसको सेल डालने के लिए, इस तरह से यहाँ से इसको ओपन करना होगा और अब यहाँ पर हमारा सेल लगेगा और यहाँ पर हम अपनी USB रख सकते हैं अगर हम माउस को यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो प्लस इधर दिया गया है, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं और ये जो हमारा USB है ये हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे अगर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, और ये हम बंद करके रख सकते हैं अपने बैग वगैरह में। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको यूज़ करने वाले हैं, इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं और अब हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको यूज़ करके देखते हैं क्या क्वालिटी आती है इसकी। तो यहाँ पर हमारी लाइट भी जल चुकी है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम इंसर्ट कर लेते हैं इस USB को अपने लैपटॉप के अंदर और चेक करते हैं कि ये माउस कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, तो मैं इसको किसी भी पोर्ट में आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इसमें लगा लेता हूँ और अब हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, तो बैक साइड में यहाँ पर नीचे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कनेक्ट के लिए ये एक बटन दिया गया है, अगर आपका ये माउस कनेक्ट नहीं होता है इसको कनेक्ट यहाँ से क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट जो है ऑन हो चुकी है और ये कनेक्ट हो चुका है, तो हमें इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए हम चेक कर लेते हैं अब स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं माउस जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है और इसका जो स्क्रॉल है, स्क्रॉल भी काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा माउस लगा मुझे ये, और बहुत पतला माउस है, आपको ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है जो आजकल के माउस आ रहे हैं, मोटे मोटे माउस आ रहे हैं। तो बहुत पतला सा माउस है, बहुत अच्छा माउस है। अब दोस्तों हम कंपेयर करते हैं इसको डेल माउस से। देखिए ये डेल का माउस है और अब इसकी मोटाई आप देखिएगा, और ये HP का माउस है और इसकी आप मोटाई देख सकते हैं। तो दोनों में कितना फ़र्क है वो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। ठीक है ना, ये देखिएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट आपको लग रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो 1074 रुपये का मैंने ये अमेज़ोन से मंगवाया है और अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, वैसे 1499 रुपये का प्राइस है इसका। ठीक है ना, और इसके अंदर आपको 3 कलर मिल जाएंगे। इसके अलावा पहले आपको बता दूँ 7 डेज़ रिप्लेसमेंट है, 7 दिन के अंदर आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और 1 ईयर की यहाँ पर वारंटी भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा, ये आपका हो गया गोल्डन में, और ये आपका हो गया सिल्वर कलर में, जो कि मैंने सिल्वर वाला मंगवाया है। सिल्वर वाला गोल्डन वाला जो है 999 का है और ब्लैक भी 999 का है, सिल्वर थोड़ा महंगा है। तो आप यहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस माउस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों कैसे लगा आज का वीडियो? अगर आपको मज़ा आया इस माउस की अनबॉक्सिंग देखने में तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।